की रोटी न पाती भैया, आपने मेरी शादी में जवाब 50,000 ही न दे सकी। वही दहेज के लिए मेरे पति जी हाँ मेरी नाना लंकनी ये लोग मुझे बहुत सताते हैं भैया, मुझे ताना मारते हैं, सूखी रोटी मुझे खाने के लिए नहीं मिलती भैया, मैं तो ताला सुनते सुनते बहुत डूब गई हूँ। मेरा तो दिल यही कहता है भैया कि मैं चाह खा के अपनी जान दे दूँ भैया। ये क्या कह रही हो बहन कि जो मैं दहेज नहीं दे सका उसी दहेज के लिए तू यार सताई जाती है, मारी जाती है, खाने को सुख की रोटी नहीं पाती। और ये क्या कह रही है मैं कि मेरा दिल कहता है कि मैं अपनी जहर खा के जान दे दूं। नहीं बहन, तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बल्कि मैं तेरे दरवाजे आऊं, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात तो सुनो बहन। लक्ष्मी, अगर बिहार दहेज के लिए सताई जाती है, मारी जाती है, खाने को रोटी नहीं पाती, तो मैं आया हूँ बहन, मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपने साथ घर लिवा चलूंगा, मेहनत मजदूरी करके लाऊंगा और तुझे खिलाऊंगा बहन। क्या भैया, आज अपनी बहन के आप दुख नहीं देख पा रहे हैं और आज मेरे दरवाजे आए हैं भैया मुझे अपने साथ बुला के गले के रहे हैं, तो भैया आपकी बहन आपसे क्या कहना चाहती है भैया, मेरी बात सुनिए। तो मानता मान रखूं मैं ये ससुराल की बिन बिताई के साथी कैसे चालू गिरा, पति की इजाजत मैं आपके साथ नहीं जा सकती भैया, अगर बिना पति की इजाजत आपके साथ जाती हूँ तो मेरा ससुराल के मान सम्मान बिगड़ जाएगा भैया, माता पिता तो बचपन में मर गए, आपने भैया मुझे पढ़ाया लिखाया शिक्षा दिया है, यहाँ तक कितना बताते चले आए कि बहु बेटी डोरी उसके मायके सुरती है और ससुराल से उसकी अर्थी निकलती है, तो भैया आज आपकी बहन अपने ससुराल की मान सम्मान मर्यादा को बचाते हुए आज बिना पति की इजाजत मैं आपके साथ नहीं जा सकती भैया। मेरे वाले, इतना दुख मुसीबत सहने के बाद भी आज मेरी बहन अपने बड़े भाई को कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है,
कि भैया आप अपने साथ अलीबाग चलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बिना अपने पति की इजाजत के मैं आपके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि घर का मान सम्मान बिगड़ जाएगा, मर्यादा बिगड़ जाएगी। यहाँ तक कि मेरी बहन मुझे कह रही है कि भैया बचपन में माता पिता मर गए, आपने मुझे पढ़ाई लिखाई शिक्षा दिया, और यहाँ तक आप कहते चले आए कि हर बहन बेटी की डोली उसके मायके से उठती है और ससुराल से उसकी अर्थी निकलती है। और ये मेरी बहन राखी में बात करके राखी मुझे दे रही है। अरे बहन, मैं राखी देने नहीं आया हूँ, मैं राखी बंधवाने आया हूँ। कम से कम तेरे दरवाजे अपने हाथ से तो बांध दे बहन। हर महीने सोचती है कि अपने हाथों से अपने भैया कलाई राखी बांधू, तो आज भैया आपकी बहन बहुत लाचार है, बहुत मजबूर हो भैया। आज जान लो, आज मैं आपके हाथों में किसी लिए राखी नहीं बांध पा रही हूँ। भैया अभी मेरी नाना लंकनी देखेगी ना, तो वो मुझे बहुत मारेगी भैया, मुझे बहुत सताएगी। आज मैं अपने नरक के दर से आज आपके हाथों में राखी नहीं बांध पा रही हूँ भैया। जो बहन मेरे हाथों में इतनी खुशी से राखी बांधती थी, आज वही मेरी बहन इतना मजबूर है कि अपनी ननद के दर से मुझे राखी नहीं बांध रही है। कह रही है भैया इस राखी को ले जाओ घर बांध लेना। ठीक है बहन, अगर तू मजबूर है राखी नहीं बांध सकती तो इस राखी को ले जा रहा हूँ, घर ले जाके बांध लूंगा, लेकिन अपना ख्याल रखना, रोना नहीं बहन। अगर तू जा रहे तो तेरे भाई के लिए नहीं रहेगा। भैया आज आप मेरे दरवाजे जा रहे हैं ना, ठीक है भैया जाते रहे हो, लेकिन यहाँ जाने बाद इस आवाज बहन को भूल मत जाना भैया। माता पिता मर जाने बाद मेरा चुड़िया का कोई सहारा नहीं है भैया। अरे बहन लक्ष्मी, तू कह रहे कि भैया यहाँ से जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। अरे बहन, मैं ही नहीं संसार का कोई भी भाई होगा जिसे परमात्मा बहन दिया होगा वो अपनी बहन को नहीं भूलता। तू बता तेरे सिवा मेरा कौन है बहन, जो मैं तुझे भूल जाऊंगा। रख ला बहन, बता रहा हूँ
भगवान, मेरे भैया जा प्रिय खुशा रे मलिक, आपका सारे ही भोलेनाथ। तो मेरी दुनिया, ओ मेरी दुनिया, ये मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल जिंदगी अपने भाई के कलाई में राखी नहीं बांधे कि हला भैया पर जा घरे बांध ले हदी तुम्हारे एका नहीं जानत यहां रंडो एका ना जान किया भतार गाड़ो का बिटी है कि हमें राखी जब थी माते राखी की डिब्बा तब हम फोटो खींच ले कि मालूम नहीं बा अरे हो भतार गाड़ो का बिटी ही नहीं है तू डार डार चलब तो हम पात पात चलब हमसे देखित बच के कहां जात तू चल बाबा की भैया तिजोरी से 1,00,000 रुपया की चोरी करा भैया के तिजोरी से 1,00,000 रुपया चोरी करा इस चोरी की इल्जाम ही हर जाए के ऊपर लगाऊ ताकि पानी को बुढ़ न बचे हर जाए जोर मार मारे बा किसे छर छरात बा
का देखा के बाबू साहब आपका चेहरा उतरा बा। ये बता मेरे कमरे में कौन गया था रे? आपके कमरे में मैं गया था। तू गया था? इसका मतलब तिजोरी घोटाला तोड़कर 1,00,000 रुपए की चोरी तुमने कर लिया। चोरी आज ना, हम तो कल कर रहे हैं। जो अभी अभी तो कर रहा था, मैं गया था कल की बात बताने लगा। आज आपके कमरा में आपके बहन गई रही। क्या? आधा घंटा तक खटर पटर हो चरा, हम सोचे तू हो गया। अरे जब मैं होता तो उसे पूछता क्यों? हमको क्लियर नहीं पता। क्लियर क्या है? क्लियर ढंग से तुझे नहीं मालूम है। एक काम कर, बिल घर को बुला, मैं उसे पूछूंगा, उसे जानकारी होगी तो मुझसे जरूर बताएगी। क्यों मेरी बहन उसे झूठ नहीं बोलती है? बैठा बाल साहब गाड़ू हमका किराए है कमरिए के नीचे गजब ढालवा। ए मोरे रामावा, ए मोरे बुआ, आज तक यहाँ घर में ऐसे कब हम आए भा मोरे रामावा। का होई जो अपने अपन बुढ़वा पीती की तोहार मोरे बुआ। आए हमारा जो अपने पीत अपन न पीत बहुत पिला था। ए बुआ, आज तोरे भैया के एक मुठ गा। ए भंडारी लाल, एक मुठ का मतलब का है रे? तिजोरी के ताला तोड़ के रुपया गायब हो गया। हम तो कहा चाहे 1,00,000 रुपया का चगा, कैसे 250 रुपया का ताला तू? 1,00,000 रुपया की चोरी हो जो कोनो बात ना, उनका चिंता ना ही बा, लेकिन चिंता 250 रुपये ताला के बाइन का। हाँ, हमारे ससुर हमारे बात पर हरे। ये देखा तोरे बुलावत, देखा तोरे भैया बुलायन, कैसे पेरुआ ऐसा मोहर माए। अरे भैया बात का भैया, तो चेहरा गिरा बा। दे भाई भर दे, दे जो कुछ पूछेगा तुझे जानकारी होगी तो मुझे साफ साफ हमारा छुपाना मत। कमरे से तिजोरी का ताला तोड़कर 1,00,000 रुपए की चोरी हो गई है। अगर तुझे मालूम हो तो उसे बता भाई, छुपाना नहीं। हमारे अशीफ का फूफा भी है बात कहा था, 50 रुपया दे कहा का है बड़े जाना किया। फूफा जी कहा था काटा भंडारी लाल, जब तोरे घर में चोरी भाते तो बुआ का पनी लिया है तो चला थाने में। थाने में की थाने में रे? चल के पहले की चोरी की रिपोर्ट लिखा। रिपोर्ट आना है कि यहाँ इलाका मोझा सोखा गुनिया ढेर हो। यहाँ चल के पहले की सोखा का पटाए के दूसरी अंडा कटवा गया। अंडा कटवा दे, चोरी चमारी ना हो, भूत ऐसे भागे ला गए। ई बता है जगाड़े, ऐसे हो लगे तो चोरी चमारी हो गई करे। मतलब रुपया न मिले, न मिले भैया हमारे।